हेलो व्हाट्सएप, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। सो गाइस, एक दिन का ब्लॉग मिस हो चुका है। सो दो दिन वाली ब्लॉग मिस हो चुकी है, दोनों वाली ब्लॉग मिस हो गया। सो गाइस, आज अभी तक ब्लॉग बड़ा लेट स्टार्ट करूँ, कम से कम अभी 5:30 का टाइम हो रहा है, बाहर अंधेरा वाला हो चुका है। सो मैंने अभी लाइटिंग लगाई इसलिए मेरा फेस थोड़ा ठीक लग रहा है। सो गाइस, आज हम क्या बनाएंगे, गोलगप्पे जो होते हैं बाजार से बने बनाए मिलते हैं। सो मैं हम घर पे खुद बनाएंगे। सो चलो चलते हैं, बनाते हैं गोलगप्पे। सो अच्छे बनते हैं या नहीं तो आप बताना हमें, सो कमेंट में बताते रहना। सो चलो चलते हैं गाइस। फाइनली पहुंच चुका हूँ किचन में। सो गाइस, ये रही गैस। सो अभी इस पे रखता हूँ मैं कढ़ाई, जिस पर हमने गोलगप्पे बनाएंगे। सो गाइस, ये वो गोलगप्पे है, वो पैकेट में आते हैं थोड़े लिफाफे में। सो ऐसे आम तो खुले मिल जाते हैं बाजार से। सो गाइस, अब आज हमने इन्हें बनाएंगे। सो देखते हैं अच्छी तरह हमसे बनते हैं नहीं, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं। तो चलो करते हैं, चलो करते हैं पहले कढ़ाई। सो गाइस, फाइनली अभी मैंने ये, सो गाइस ये हमारी भाषा में इसे कढ़ाई कहते हैं। सो आपकी भाषा में क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस, अभी मैंने यहाँ पर सेटअप किया है, यहाँ पर सिल्वर पेपर रख दिया और यहाँ प्लेट रख दी है जो ये गोलगप्पे निकालने के लिए। तो हमने गोलगप्पे यहाँ हैं, सो ये प्लेट रखी है, तो इसमें हम डालेंगे निकाल के। सो अब देखो। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ। सो गाइस, अब तेल गर्म हो चुका है, तो अब डालते हैं गोलगप्पे। सो गाइस, ऐसा होता कुछ इस आकार में होता है ये गोल। सो चलो डालते हैं। सो गाइस, अब देख सकते हैं बीच में जा चुका है गोलगप्पा। सो अब देख सकते हैं कैसे फुल के आ रहे हैं ऊपर, हल्का हल्का सा इस पर फोकस करना होता है। गाइस, अब देख सकते हैं कैसे बड़ा हो रहा है। सो गाइस, पहली बारी में हमसे अच्छी तरह से बन चुका है ये। सो गाइस, ये 2-3 मिनट रहता है ये। सो इसके जो मिक्सर होता है खाने का, सो वो भी मैं बनाऊंगा, वो भी आप बनाएंगे कैसे बनता है वो। ये रेडी हो चुका है फूल। सो गाइस, कुछ ऐसा होता है ये गोलगप्पा। सो ये गया पहला गोलगप्पा हमारा। सो गाइस, अब ये सारे गोल, ये जितने भी गोलगप्पे हैं ये सारे डाल दें बीच में, 4-5 गोलगप्पे डाल दिए। सो देखते हैं ये बनते हैं अच्छी तरह से या ऐसे। अब देखते हैं, हो तो गाइस एक चीज़ बताता हूँ आपको। अब देखते हैं ये छोटा सा, ये फूला ही नहीं, ये पापड़ी बन गई, आपको बाहर ही गाली दिखाता हूँ मैं। सो अभी फाइनली ये ठीक है, 6 रेडी हो चुके हैं। सो एक रेडी नहीं हुआ अच्छी तरह से। सो अपन ऑयल एग्जॉप कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट टाइम मैं कुकिंग कर रहा हूँ, वो भी आप सबके लिए। सो अच्छी तरह हो रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस, आप ये छोटा सा देख सकते हैं, ये पापड़ी बन गई है, तो मतलब पापड़ी चाट में देते हैं वो बन चुकी है। सो ये फूली नहीं ना, सो ये जैसे ये फूल गए और पहला वाला फर्स्ट जो मैंने, गाइस ये फर्स्ट टाइम मेरा जो मैंने निकला। सो ये बाकी सारे अभी अभी बनाए हैं। सो ये तो ऐसे ही बन गई, पापड़ी बन चुकी है। सो गाइस, अब देखते हैं मैं अब इतने डालूंगा मैं बीच में। तो देखते हैं ये फूलते नहीं, अभी ये डाल दूँगा मैं। तो अब देखते हैं फाइनली अच्छी तरह फूलते हैं, ज़्यादा डालने से क्या होता है क्या नहीं, तो फिर चेक करते हैं। तो गाइस, फाइनली सारे फूल चुके हैं। वैसे कैसे फूल चुके हैं, तो मैंने अभी कितने डाले, सारे के सारे फूल चुके हैं, सारे हो चुके हैं रेडी। सो गाइस, अभी ये फाइनली जैसे कितने 2 मिनट के अंदर अंदर कितने ज़्यादा बना दिए मैंने। सो ये अभी पूरे लिफाफे बड़े सारे बनाएंगे। सो गाइस, अभी आपने देखे हो गए ये मैंने कैसे निकाले गोलगप्पे। सो चलो इनको करते हैं पूरे रेडी, फिर आपको मिलते हैं। ऐसे भी फुल रेडी हो चुके हैं गोलगप्पे, देख सकते हैं ये रहे गोलगप्पे जो मैंने बनाए हैं अपने हाथों से खुद। सो ज़्यादा मेहनत हुई नहीं, अभी आप सबके लिए ही मेहनत तो है थोड़ी बहुत ही। सो गाइस, अभी इसके जो खट्टा ही नहीं होगा तो मज़ा किस बात का आएगा। सो अभी हम बनाएंगे गोलगप्पे का खट्टा। सो मैंने ये जलजीरे होते हैं, सो गाइस ये इनका नाम है जलजीरे। सो ये मैंने लाए हैं, सो इनसे बनाऊंगा मैं इनका गोलगप्पे का खट्टा। सो देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनता है और कैसे घर पर बना सकते हैं। सो चलो बनाते हैं। गाइस, हमने सारा सामान ले लिया। सो ये डब्बा लिया मैंने थोड़ा लुक देने के लिए। सो मैंने अभी यहाँ पर आइस भी लिया क्योंकि ठंडा होना चाहिए। सो ये रहा जलजीरे का पैकेट। सो सबसे पहले डालते हैं पानी जो जिसका मिक्सचर बनता है। सो जितना मैंने बनाना उसी हिसाब से मैं करूँगा। सो मुझे चाहिए हाई क्वालिटी का, ज़्यादा चाहिए। सो इसी अभी भी कम है। सो गाइस, मैंने आधा डब्बे लिए है और पानी लिया। सो गाइस, मैंने इतना पानी ले लिया। सो ये एक एक करके जलजीरे का पैकेट डालते हैं बीच में, तो देखते हैं। सो गाइस, चलो फाड़ते हैं हम
जलजीरा वो डालते हैं डब्बे में। सो पहले काट लेते हैं। कोई कटा ही नहीं। सो गाइस अभी कट चुका पैकेट। सो डालते हैं इसमें। सो चलो सारे पैकेट डालते हैं फिर हम मिलते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ बस इसमें सारे जलजीरे डाल दी है। जलजीरे सो मैंने इसमें सारे डाल चुका हूँ। सो ये अब सो गाइस ये आइस है। सो इसे हम डालेंगे इसके अंदर। सो डालते हैं। सो सबसे पहले ले लेते हैं स्पून जिसे हम डालेंगे। सो हैंड से तो हम डालते नहीं हैं। अच्छी वैसे अच्छा नहीं लगता। तो ये आइस में इसलिए डालूँगा इस ठंडा रहे ना। वैसे भी सर्दी है तब भी अब थोड़ी गर्मी आ चुकी है। सो चलो डाल लेते हैं। तो वैसे आइस से थोड़ा टेस्ट आता है साथ में मज़ा भी आता है इसे। सो वैसे फाइनली डाल चुका हूँ मैं इसमें आइस। सो ये थोड़ी सी बच चुकी है। सो इसे वापस फ्रीजर में रख लेंगे। सो मैंने अभी इसमें डाल दिए। सो अभी इसे हिलाते हैं देख सकते हैं आइस मैंने अभी कितनी घंटे डाली थी तो छोटी छोटी हो चुकी है अभी आइस। सो फाइनली ये ठंडा हो चुका है। सो गाइस इसमें थोड़ा सा इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक मिर्ची डाल देते हैं। सो चलो। सो गाइस ये पड़े गोलगप्पे और फ्राइड्स। सो गाइस ये रहा डब्बा। इसे करते हैं रेडी फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस अभी हम करते हैं गोलगप्पे टेस्ट। सो ये रहा खट्टा जो भी हम खाएंगे। सो चम्मच कहाँ जा रहा है ये। सो गाइस चलो खाते हैं हम गोलगप्पे। पहले इसमें कर देते हैं छेद जब हम खाएंगे। सो हम करते हैं जैसे हम बाजार में करते हैं वैसे ही करेंगे। सो फिर हम टेस्ट करके बताएंगे। सो जो कैमरा मैन है ना तो ये सो गाइस टेस्ट कुछ टेस्ट अच्छा है। सो मज़ा आ गया। सो एक और टेस्ट करते हैं। सो मुझे अच्छा लगा ये। सो फर्स्ट टाइम बनाया है ये। सो टेस्ट हुआ। ओह सो कैसे देखते हैं यहाँ से टूट ही गया इसका पापड़ यहाँ गया। तो इसे बीच में डाल देते हैं। सो एक और टेस्ट करते हैं। डिलीशियस गाइस बहुत अच्छी है। गाइस अब कैमरा मैन है जो हमारी वीडियो शूट कर रहा है। सो अब उनको बुलाते हैं। सो उनको देखते हैं वो किस टाइप का उनका रिएक्शन रहता है उनको अच्छे लगते हैं या नहीं। सो कैमरा मैन जी भैया आ जाओ। सो गाइस जो मैंने बोला था कैमरा मैन आएगा गोलगप्पे खाएगा। सो वो नहीं आया। वो शर्म ही बड़ी ज़्यादा आ रही थी। सो वो नहीं आया व्लॉग में। सो बट कोई बात नहीं। सो गाइस आपको वीडियो में मज़ा आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लॉग लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।